आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उपवास की रेसिपी जो है अप्पे। इसे मैंने समा के चावल और साबुदाना से बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी है और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए मैंने इसे किस तरह बनाया है और मेरे रेसिपी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं अप्पे। अप्पे बनाने के लिए मैं 1.5 कप समा के चावल यूज कर रही हूँ। इसे हम भगर भी कहते हैं। यह हमें बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और इसी के साथ हमने 1 कप साबुदाना ले लिया है। यहाँ पे हमें साबुदाने की मात्रा को थोड़ा कम ले लेना है। यदि हमने 1.5 कप समा के चावल लिए हैं तो हमें 1 कप साबुदाने का ही यूज करना है। अब हम इन दोनों को अच्छे से धो लेंगे। दोनों चीजों को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इन दोनों में हमें 1-1 गिलास पानी डाल देना है। अब इन दोनों को हम कवर करके 2 घंटे तक भीगने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। दो घंटे हो गए हैं, अब हम ढक्कन निकाल लेंगे। ये देखिए ये काफी अच्छे से भीग गया है। अब हमें इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर जार में अलग अलग पीस लेना है। सबसे पहले हमें समा के चावल को पीस लेना है। पहले हम इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हमें बिल्कुल ही बारीक पीस लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। समा के चावल पीस के तैयार हो गए हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें इसे मिक्सर जार में भीगे हुए साबुदानों को डालकर पीस लेना है। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि साबुदाना हमारे काफी अच्छे से भीगे हुए हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। साबुदाना भी हमारे अच्छे से पीस के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम सेम बर्तन में निकाल लेंगे। दोनों चीजों को हमने बर्तन में निकाल लिया है। अब हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें काफी अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये काफी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका एक थिक बैटर तैयार हो गया है। अब इसे हम कवर करके 1/2 घंटे तक फूकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे अप्पे फूले फूले और सॉफ्ट तैयार हो। जब तक बैटर फूकता है तब तक हम इसमें डालने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसमें हम एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 10 कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून जीरा और कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। देखिए मसाले हमारे पीस के तैयार हो गए हैं। हमने इसे दरदरा ही पीसा है और इसमें हमने 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छे से पीस जाए। अब इसमें हम 1/2 कप दही डालकर इसे भी अच्छे से पीस लेंगे ताकि दही हमारा अच्छे से फेंट जाए। दही भी मसालों में अच्छे से मिल गया है और ये अच्छे से फिट गया है। 1/2 घंटा हो गया है, हमने ढक्कन निकाल लिया है। अब इसमें हमें फेटे हुए दही और मसाले को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून दरदरा पिसा हुआ मूंगफली पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून सांधा नमक, क्योंकि हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम सांधा नमक का यूज करें। यदि आप नॉर्मल नमक खाते हो तो आप नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए सभी चीजों को हमने काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं अप्पे।
गैस में हमने अप्पे बनाने का पैन रख लिया है। अब इसमें हमें सभी खानों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेना है। अब इसमें हम अप्पे का बैटर डाल देंगे। अब पैन को हमें कवर कर लेना है और 2 मिनट तक पकने के लिए रखना है। गैस की आंच को हमें धीमी ही रखनी है। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल लेंगे और इसे चाकू की सहायता से टर्न कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड के अप्पम हमारे पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अब हमें इन्हें दूसरे साइड से भी 2 मिनट तक पकने के लिए रखना है ताकि ये सभी तरह से अच्छे से पक जाए। फिर से हम इसमें ढक्कन लगा लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल लेंगे और टूथपिक की सहायता से हम चेक कर लेंगे कि अप्पम हमारे तैयार हुए कि नहीं। ये देखिए, टूथपिक क्लियरली बाहर आ रहा है, इसका मतलब अप्पम तैयार हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हमें बाकी के अप्पे को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए, दूसरे लॉट भी हमारे तैयार हो गए हैं। अप्पे हमारे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इसे मैंने मीठी दही और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। नारियल की चटनी में भी मैंने सांधे नमक का यूज़ किया है क्योंकि ये पूरी रेसिपी हमने उपवास के लिए बनाई है। तो आपने देखा इस अप्पे को मैंने कितने आसान तरीके से तैयार किया है उपवास के लिए। तो आप इस नवरात्रि एक बार इस अप्पे को जरूर बनाइए, ये आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और मेरे रेसिपी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।